गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। माई सेल्फ अंकिता मिश्रा, मैं आपकी सोशल साइंस की मेंटर हूँ और हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस टू वीडियो में पढ़ा कि पहले के लोग पास्ट के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है कि पास्ट हमारा क्यों इम्पोर्टेंस है, हमें उसके बारे में क्यों जानना चाहिए और किस क्या रीजंस हैं उनको जानने के। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को हमने पढ़ा, वेयर डिड पीपल लिव, पहले के लोग पास्ट में कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ कहाँ ट्रैवल करते थे, इसके बारे में हमने पढ़ा कि पहले के लोग रिवर बैंक ऑफ रिवर नदियों के किनारे रहते थे, नियर अ फॉरेस्ट जंगलों के पास रहते थे और वो क्या करने लगे, धीरे धीरे सेटल एग्रीकल्चरिस्ट हो गए थे, वो खेती करना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले पास्ट में उन लोगों ने सुलेमान एंड किरथार हिल्स में फर्स्ट टाइम मैन एंड वुमेन ने क्या किया था, वीट एंड बार्ले की खेती की थी 8000 ईयर्स पहले। उन्होंने गेहूं और जौ की खेती की थी और उसी टाइम उन्होंने वो एनिमल रियरिंग एनिमल्स जानवरों को पालना शुरू कर दिए थे, लाइक गोट, बफेलो, काऊ, ऐसे जानवरों को वो पालने लग गए थे। और वो गोरा हिल्स में सबसे फर्स्ट टाइम राइस की खेती किए थे। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी वेयर डिड पीपल लिव में कि लोग पहले किस तरीके से रहते थे, कहाँ कहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम खेती करना शुरू। फिर हम पढ़े थे मूवमेंट ऑफ पीपल कि पहले के लोग ट्रेवल कहाँ कहाँ करते थे, क्यों करते थे, रीजंस क्या थे उनके ट्रेवल करने के। तो सबसे पहले तो रीजंस थे लेवलीहुड, अपना अच्छा जीवन यापन, है ना। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि वो सबसे अपना लेवलीहुड, अपने अच्छे जीवन यापन करने के लिए, बाढ़, आंधी, नेचुरल डाइजेस्टर से बचने के लिए उनको अपने जगह क्या करते थे, बदलते रहते थे। रिलीजन्स टीचर्स जो थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे ताकि वो क्या कर सकें, अपने कल्चर को दूसरे विलेज तक पहुंचा सके, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ट्रेड की वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे कि जैसा कि मैं बताई थी कि ब्रिटिश लोग जैसे इंडिया में आके इंडिया को गुलाम बना लिए, वो चीज़ें इस वजह से वो लोग ट्रेड किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। फिर हमने पढ़ा था नेम ऑफ लैंड कि हमारे देश के कई नाम होते हैं, जैसे कि इंडिया, भारत, और इंडिया इंडिया क्यों नाम पड़ा इंडिया का, भारत क्यों बोलने लग गए हम इंडिया को, ये चीज़ें पढ़ी थी कि इंडिया में इंडस रिवर के इंडस, जब ग्रीक्स एंड ईरानियंस लोग इंडस रिवर से क्रॉस करके आते थे इंडिया में, तो वो इंडस रिवर को इंडस नहीं बोल पाते थे, तो वो इंडोस और हिंदोस बोलते थे और वही धीरे धीरे क्या हो गया था, इंडिया का नाम पड़ गया था। तो वो इंडस रिवर के ईस्ट की जितने लैंड थे उसे हम इंडिया बोलने लग गए। और भारत को भी, भारत में एक हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह था, ट्राइब था, जिसे ऋग्वेद में ट्राइब को भारत नाम दिया गया है, इसलिए लोग उसे भारत बोलने लगे थे और फिर वो इंडिया भी धीरे धीरे भारत कहलाने लगा था। फिर हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ पास्ट, पास्ट के क्या क्या सोर्सेस थे कि किस तरीके से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। तो हम सबसे पहले था मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या था, जो रिटन सोर्सेस वो हमें लिखने की वजह से मिले थे, जैसे कि पाल्म लीफ पे लोग किंग, क्वींस और लोग लिखते थे पाल्म लीफ पे, तो वो चीज़ें। लेकिन अनरिटन रिटन सोर्सेस क्या थे,
डिस्ट्रॉय हो गए थे, कुछ चीज कुछ बचे हैं लेकिन काफी डिस्ट्रॉय हो गए थे क्योंकि कुछ ने इंसेक्ट खा लिए थे। और फिर और कुछ जो टेंपल में रखे गए थे वो कुछ बचे हैं, लेकिन रिटर्न सोर्स मैन्यूस्क्रिप्ट के अधिकतर जो वो है वो इंसेक्ट खा गए थे। फिर हमने पढ़ा था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन वो मेटल क्वाइंस, इन चीजों से पता चलता है हमें पास्ट के बारे में। तो वो क्या है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो अभी भी हमें दिखते हैं। तो और उसमें मूर्तियां, ये सारी चीजों से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, ये इंस्क्रिप्शन में आ जाता है। और फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हिस्ट्री पास्ट का पता लगाते हैं उनको हम बोलते हैं, जैसे कि वो बिल्डिंग्स को देख, बिल्डिंग्स हो गए और तो मेटल्स हो गए, क्वाइंस हो गए, इन सब चीजों से जो पास्ट के बारे में पता लगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो जो हमने इतने टॉपिक्स पढ़े थे, अब हमारा आज का टॉपिक है वन पास्ट एंड मेनी। वन पास्ट एंड मेनी मतलब हमारे जैसे कि एक 1% के तो सिर्फ एक पास्ट हो गया, तो वो ऐसा तो नहीं कि वो सबके पास सेम होंगे, जैसा कि मेरे पास्ट अलग होंगे, आपके पास्ट अलग होंगे, तो सबके पास सेम नहीं होते हैं। तो वैसे ही पास्ट में जो लोग थे उन सबके पास सेम नहीं होंगे, जैसे किंग क्यून उनके पास्ट अलग होंगे, जो आम लोग होंगे वो लोग के पास्ट अलग होंगे। आपके बुक्स में जो कवर है, सबसे पहले पेज टाइटल लिखा है आप देखोगे तो उसमें लिखा है अवर पास्ट, अवर पास्ट, पास्ट नहीं लिखा है, पार्ट्स लिखा है। मतलब जैसा कि ये पेन है, पेन बोलेंगे तो एक हो गया, पेंस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। वैसे ही अवर पार्ट्स बोला गया है, पार्ट्स नहीं, तो अगर पार्ट्स है क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में चला गया। ग्रामर में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये सिर्फ एक के पास्ट के बारे में नहीं बताता है, ये पास्ट में जितने लोगों थे सबका अलग अलग पास्ट होता है, ये हमें बताता है। जैसे कि किंग का अलग हो गया, जो आम लोग थे वहां पे उनके पास्ट अलग हो गए, जो एग्रीकल्चर थे उनके पास्ट अलग हो गए, जो वो खेती करते थे और जो है सब अलग अलग ट्रेड में थे, उन सबके पास्ट क्या थे, अलग अलग थे। जैसे कि एग्जाम्पल आज के टाइम पे अंडमान आइसलैंड के लोग हैं, है ना, अंडमान आइसलैंड, तो ये क्या करते हैं, अंडमान आइसलैंड के लोग मछलियों को पकड़ते हैं और उनका शिकार करके वो उसे अपना खाना बनाते हैं, फूड्स को खाना बनाते हैं, लेकिन वो उधर के साइड के लोग करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारा तो ये खाना नहीं है, हम अलग खाना खाते हैं, हमारा अलग भोजन होता है। इसी तरीके से सबके अलग अलग होते हैं, जैसे उनका अलग खाना हो गया, हमारा अलग खाना हो गया। वैसे ही पास्ट में भी होता था कि कुछ लोगों के रीति रिवाज अलग होते थे, उनका खान पान अलग होता था, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की, हर मतलब 1% के एक पास जैसा नहीं होता था, सबके डिफरेंट डिफरेंट पास्ट होते। यही है वन पार्ट्स एंड मेनी में, कि सबके जितने भी लोग थे पास्ट में उनके एक पास्ट नहीं थे, सबके अलग अलग पास्ट थे, जैसे कि हमारे और आपके भी सबके अलग अलग पास्ट होते। ये था वन पार्ट्स एंड मेनी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू डेट्स मीन, व्हाट डू डेट्स मीन,
ये तो हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि डेट्स ही डेट्स रहती है जो कि याद भी नहीं होती है ना, इसी वजह से भागते भी हैं। तो क्या है, हिस्ट्री में डेट्स रहती हैं, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे किसी भी दिन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डेट्स आएगी ही आएगी, और ये बहुत मुश्किल भी होता है याद करना। इसी के बारे में बताया गया है कि व्हाट डू डेट्स मीन्स, डेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि अभी हमारे टाइम, अभी क्या हम पूछे किसी से पूछते हैं क्या मंथ चल रहा है, क्या ईयर चल रहा है, तो अभी आप बोलोगे कि 2014 ईयर चल रहा है ना। 2014 ईयर्स हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ 2014 ईयर्स चल रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो क्रिश्चियन के जो ओरिजिनेटर थे जीसस क्रिस्ट, क्रिश्चियन के ओरिजिनेटर जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट के बर्थ से, हम बर्थ के बाद को बर्थ से हम पता करते हैं कि हाँ 2019 चल रहा है। जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे कि 2014 है और ये जीसस बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है, ये हो गया जीसस क्रिस्ट, ये बर्थ सेंटर है ना, ये सेंटर हो गया। इसके इधर हम क्या बोलते हैं, एडी है ना। जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो कि 8000 BC ईयर्स एगो, 8000 या फिर एडी आता है डेट के साथ, तो वो चीजें हैं, एडी हो गया। और इसके इनके बर्थ की आफ्टर हम एडी बोलते हैं और बिफोर को बीसी बिफोर को क्या बोलते हैं, बीसी। एडी मतलब एनो एमिनी, और बीसी मींस बिफोर क्रिस्ट। और क्रिस्ट तो इनके जो जीसस के जो बर्थ्स हैं, बर्थ्स में जब उनके बर्थ से सेंटर से हम गिनेंगे तो अगर हम एडी इधर के साइड होंगे तो ये सॉरी 2000 2000 तो अभी क्या हुआ है, 2024 ईयर्स हुआ है। और जब हम इनके बिफोर की तरफ जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बीसी बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो फिर इनके सेंटर से क्या बोलते हैं हम, इनके सेंटर के आफ्टर को हम एडी बोलते हैं और इनके इनके बर्थ के सेंटर से बीसी। एडी मतलब ये नहीं हुआ आफ्टर डेथ, क्योंकि अगर हम मान लें कि जीसस के आफ्टर डेथ मान लीजिए वो 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स हुआ, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, क्योंकि बीसी तो पहले का हो गया और फिर बीच के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, इसलिए इसे आफ्टर डेथ नहीं बोलेंगे। है ना, इसलिए इसे हम आफ्टर दैट नहीं बोलेंगे। इसे हम ऐसे भी समझते हैं जैसे आप मैथ में नंबर लाइन पढ़ते हो है ना, तो ये सेंटर है बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट का है, मान लीजिए ये बर्थ सेंटर है, इसके इधर प्लस साइन होता है मैथ में, वो प्लस साइन की तरफ को हम एडी और माइनस साइन जिधर जाएगा वो बीसी हो जाता है, ठीक है। अदर रिलीजन,
दूसरे रिलीजन में पीसी को अपने पीसी को हम बोलते हैं पीसीई मतलब अदर रिलीजन में हम क्या बोलते हैं बी सी ई है ना। और फिर एडी को क्या बोलते हैं तो हम अदर रिलीजन में बी सी को बी सी ई बोलते हैं और एडी को सीई बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट को और सीई को बोलते हैं कॉमन एरा। है ना, तो ये चीजें समझ में आई ना कि बर्थ के सेंटर में जीसस ऑफ क्रिस्ट के बर्थ के सेंटर्स के आफ्टर को हम एडी बोलते हैं और बिफोर को बीसी बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं डेट्स का मीन्स। ठीक है, ये हो गई, हम डेट्स का मीन्स हो गया ये। अब अगर आपको हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।